सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदोक्त वाणी व्यवहार से हमारा स्वयं का जीवन और इस जगत में जो हम व्यवहार करते हैं उसका अतिशय हमारे संबंधों में प्रभाव पड़ता है। अगर हम वाणी का व्यवहार ठीक ठीक करते हैं तो हमारे निकट आने वाले हमसे प्रीति करते हैं, और उस वाणी में जब सत्यता हो, उस वाणी में जब प्रखरता हो, समरसता हो और उपकार की भावना हो तो वह निसंदेह अतिशय कल्याणकारी होगी। परंतु जब हम अपना और इस जगत का ध्यान नहीं रखते, अपने व्यक्तित्व का विचार नहीं करते, अपने द्वारा किए गए व्यवहार को हम सर्वथा सही मान लेते हैं, किसी व्यक्ति के बताने पर भी कि आपकी वाणी, आपका व्यवहार और परिष्कृत हो और इसमें सुधार होना चाहिए, तो हम उसका उपहास करते हैं। हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि नहीं, मेरे से त्रुटियां होती हैं, मेरी वाणी में, मेरे व्यवहार में, मेरे संस्कार में परिष्कार की आवश्यकता है। अगर इस बात को मान लें तो निसंदेह हम कल्याणी वेदवाणी के अनुसार जीवन को जीने वाले बन जाएं। और जैसा उपदेश इस में किया है उस उपदेश से सर्वथा आत्मबल, मनोबल, बुद्धिबल और हर प्रकार के बल से प्रबल होकर के हमारा जीवन सफल होगा, उन्नत होगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के मंत्रों का, और प्रथम मंडल में 78वां सूक्त, जिसमें बहुत सुंदर बात कही है प्रथम मंत्र में ही कि हम प्रशस्तेंद्रिय पुरुष प्रभु की उपासना करते हैं। वस्तुतः उपासना से ही वे प्रशस्त इंद्रिय बनते हैं, हम भी प्रभु का उपासन करके यथाशक्ति धन, अंतः प्रेरणा व त्याग वृत्ति को प्राप्त करते हैं। बिना त्याग के, बिना वेदवाणी के हम उन्नत और प्रभु के उपासना से युक्त नहीं हो सकते। हमारा यह व्यवहार जब हमारे अंदर शक्ति संपन्नता का, हमारे अंदर भक्ति भावना का, हमारे अंदर साधना का भाव जागृत होगा या जागृत करेगा यह स्वाध्याय, तो हम उत्तमोत्तम बनते चले जाएंगे। दूसरे मंत्र में प्रार्थना की है कि हे प्रभो, तम त्वा गौतमो गिरा रायस कामो दुवसस्थिति दुम्नैरभि प्राणोन्महा, कि गौ आदि पशु रूप धनों की कामना वाला उन आपको ही गौतम प्रशस्तेंद्रिय पुरुष गिरा वेदवाणी के द्वारा दुवस्यति उपासित करता है, गौतम प्रभु का उपासन करता है और
जो हमारे कल्याणकारी पशु आदि हैं, जो उत्तम धन है उनकी प्राप्ति कराता है। हम भी गौतम का अनुकरण करते हुए, अर्थात गौतम बनने की इच्छा हमारे अंदर हो और हम सच्चे उपासक बनकर के वाणी की उपासना करें, मन की साधना करें और हर प्रकार के बल से प्रबल हों। तीसरे मंत्र में कहा, प्रभु उपासना हमें अंगिरस अर्थात शक्तिशाली बनाती है। और चौथे मंत्र में कहा कि प्रभु कृपा से हमें वह ज्ञान ज्योति प्राप्त हो जो वासनाओं को दग्ध कर देती है। हे प्रभु, उन आपकी ही जो कि ज्ञान की आवरण भूत वासना को पूर्ण रूपेण नष्ट करने वाला है, जो दस्युन विनाशक वृत्तियों को अवधूनुषे कंपित करके दूर करने वाले हैं, उन आपको दुमने ही ज्ञान ज्योति के हेतु से अभी प्रणनुमहा दिन के आरंभ व अंत में दोनों समय खूब ही प्रणाम करते हैं। और महादेव की जो तृतीय जो चक्षु है, नेत्र है, उस ज्ञान नेत्र की ज्योति से हम काम का अर्थात वासना का दहन करने वाले हों। ज्ञान से ही वासना का दहन होता है। प्रभु कृपा से हम ज्ञान ज्योति को प्राप्त करें और अपनी वासनाओं को भस्मभूत कर दें, उनको नष्ट कर दें और मधुरता से जीवन युक्त हो, मधुर वचन हम बोलें। तो उसके लिए पांचवा मंत्र यहाँ है, हमारी वाणी कैसी हो। तो इस वेद मंत्र में कहा, प्रथम मंत्र लिखता हूं मैं, ओम अवोचाम ओम अवोचाम रहुगणा सहु गणा अग्नये मधुमत वचः अग्नये मधुमत वचः मधुमत वचः। दुम्नैरभि प्रणोनुमः, दुम्नै रभि
प्रणो नमः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 78वें सूक्त का 5वां मंत्र है। ओम अवोचामारहो गणा अग्नये मधुमद्वचः दुम्नैरभि प्रणो नमः। ॐ अवोचामारहो गणा अग्नये मधुमद्वचः दुम्नैरभि प्रणो नमः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है और इन पांचों मंत्रों में अंतिम जो भाग है द्वितीय पंक्ति सभी में ये बात आई है दुम्नैरभि प्रणो नमः। यहां कहा है कि रहु गणाहा, रहु अर्थात रह त्यागे धातु से बना हुआ है, त्याग की वृत्ति वाले अथवा ज्ञान ज्योति से वासनाओं का परिहार करने वाले, जो संसार का भोग है, जो संसार की प्रवृत्ति है, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, कोई भी तत्व हो सकता है, उसके सेवन में, उसके व्यवहार में हम त्याग की वृत्ति वाले बने, हम ज्ञान ज्योति से युक्त दृष्टि वाले बने, और जब हम इन संसार के पदार्थों का त्याग पूर्वक उपभोग करेंगे, या यूं कहें कि ज्ञान पूर्वक कौन सी वस्तु किस समय किस परिस्थिति में प्रयोग करनी है, कौन सा व्यवहार किसके साथ करना है, कब करना है, कौन सा खाद्य पदार्थ कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, भक्ष अभक्ष का, ग्राह्य और त्याज्य का, यह जो ज्ञान है यह हमारे अंदर स्थापित हो, वासनाओं का परिहार करने वाले हम बने, और अग्नये उस अग्रणी प्रभु की प्राप्ति के लिए जो संसार को दीप्त कर रहा है, संसार को प्रकाश से युक्त कर रहा है, संसार के अंदर जो ऊर्जा का, जो जड़ और चेतन के रूप में इस सारी सृष्टि के अंदर जो विद्यमान है, जो सबके सामर्थ्य को, सबकी ऊर्जा को देने वाला है, जो ऊर्जा का शक्ति का संचार करने वाला है, तो हे उस अग्रणी प्रभु की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो सबसे आगे है, मधुमत वचः अत्यंत माधुर से युक्त वचन अवोचाम बोलते हैं। हम उस अग्रणी प्रभु की प्राप्ति के लिए, ध्यान देने योग्य बात है, उस अग्रणी प्रभु की प्राप्ति के लिए हम अत्यंत मधुरता से वाक व्यवहार करने वाले, हम अत्यंत प्रीतिपूर्वक सरस
नीरस नहीं, कड़वी नहीं, कठोर नहीं, जो मधुरता से युक्त है, ऐसी वाणी को हम बोलते हैं। और वेद में प्रभु का यह बारंबार उपदेश है कि हम संसार में मधुर वाणी को ही बोलने वाले बने। ये इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है, इसीलिए इसको रखा है वेदोक्त वाणी व्यवहार। अगर हम कल्याणी वेदवाणी के अनुसार जीवन को जीने वाले बनेंगे, वाक व्यवहार अपने जो है वाणी का व्यवहार यदि हम वेदोक्त रखेंगे, तो निसंदेह प्रभु की प्राप्ति के हम अधिकारी बन जाएंगे। और कहा है कि वह मधुर ही बनना, तुम्हें भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः, भद्र वचन बोलने के लिए ही भेजा गया है। प्रभु ने मनुष्यों का जीवन, या यूं कहें कि जो संबंधों को हम जीते हैं, उनमें मधुरता से युक्त होकर के व्यवहार करने के लिए ही हमको बनाया गया, हमको भेजा गया है। सबसे प्रीतिपूर्वक वाणी का व्यवहार करना, मधुर ही बोलना, और प्रभु के इस आदेश को हम अपने व्यवहार में उतारें, आदेश को जो है पाल करके हम प्रभु के प्रिय बनते हैं। बच्चा बहुत सुंदर है, पुत्र हो या पुत्री हो, बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत यशस्वी है, रूप भी है, विद्वान भी है, पहलवान भी है, हर प्रकार से वह अच्छे से अच्छा, जिसको संसार में बोलते हैं, उसके सब मतलब ये कहें कि सर्वगुण संपन्न है, परंतु एक कमी है, मतलब 99% उसमें अच्छाई है और एक बुराई ये है कि अपने माता पिता की, अपने गुरु की बात मानता नहीं है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपने माता पिता गुरु, अपने से बड़ों की आज्ञा का, उनकी बात का, उनके भावों को वह सम्मान नहीं देता। ऐसा पुत्र या पुत्री, ऐसा बेटा या बेटी जो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करती, उनके उपदेशों को नहीं सुनता या नहीं सुनती और उसको आचरण में नहीं उतारती, तो कितनी भी वह दिव्य संतान हो, वो कभी भी यशस्वी नहीं हो सकती है। सब गुण संपन्न हो, लेकिन यह जब दुर्गुण आ जाए कि वो अपने माता पिता गुरु की, अपने बड़ों की बात ना माने, उपदेशों को ना सुने, उनको चरितार्थ ना करे, उनको जीवन में उतारे नहीं, उसका वो चरित्र ना बन जाए, तो ऐसा वह संतान, ऐसा वह बेटा या बेटी किस काम का। यही बात यहां कही है कि जो परम पिता परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, हमको हर प्रकार से उन्नत बनाया है, और हम यदि उसकी वाणी का, उसके आदेश उपदेश संदेश का मान नहीं रखते, उसको सम्मान नहीं देते, अर्थात उसको अपने जीवन में उतारते नहीं है, तो हम अच्छी संतान नहीं है, हम अच्छे उस परम पिता परमेश्वर के अच्छे बेटा बेटी नहीं है। अगर अच्छे बेटा बेटी बनना है तो हमको परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश का पालन करना है, अर्थात कभी भी हम कठोर वाणी ना बोलें, कभी भी हम गलत शब्द ना बोलें, झूठ ना बोलें, किसी को दिल दुखाने वाली वाणी ना बोलें। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत उपाय हैं, बहुत जो है प्रकार से बोला जा सकता है एक भी बात को, तो हम इस प्रकार से प्रभु के प्रिय बन जाते हैं जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जब उसके बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो वे परमपिता परमेश्वर स्वयं ही हमारा कल्याण कर देते हैं और हमको अति प्रेम देने वाले बन जाते हैं। दुमनई ही यश को प्राप्त करने के हेतु से हम अभी प्रणो नमः प्रातः और सायं प्रभु की खूब ही उपासना करते हैं। प्रभु का आराधन हमें पवित्रता देगा, हमें यशस्वी बनाएगा, हम प्रभु की भक्ति से ही
शक्ति पाएंगे और मुक्ति की ओर जाएंगे। नहीं तो ये संसार की आसक्ति हमको शक्तिहीन कर देती है। हम इस आसक्ति में ऐसा फंसते हैं कि फिर उबर नहीं पाते हैं। हमको प्रभु की जो महिमा है उसको समझ करके उसका जीवन में आचरण करते हुए इस जीवन को जीना चाहिए। और इस प्रकार से जो जीवन को जिएगा वो कभी भी निराश हताश नहीं होगा। वो स्वयं भी उत्साह में रहेगा, दूसरों को भी उत्साह देगा। वो स्वयं भी अपने सभी कार्यों का संपादन समरसता पूर्वक करता है। नहीं तो किसी किसी व्यक्ति को उसमें बहुत सामर्थ्य है, लेकिन लोक में हम देखते हैं कि किसी को एक कार्य दे दिया जाए कि ये कार्य आपको कराना है लोगों से, तो कार्य तो कम होगा लेकिन उसकी बातें इतनी होती हैं, इतनी वो जो है बातें करता है, इतना डांटता है लोगों को, इतना वो दिखाता है, और उससे फिर वो जो जिस कार्य में उसको लगाया वो कार्य तो हुआ नहीं, नया बखेड़ा तैयार हो जाता है, नई जो है एक पंचायत शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति वो है कि किसी कार्य को दिया गया, इसको सबसे करवाना है, समूह में करवाना है, और वो व्यक्ति इतनी प्रीति पूर्वक, इतने जो है प्यार से, इतना जो है सबसे मिलजुल करके सबसे अच्छे से उसको करा लेता है और वो कार्य बहुत सफल हो जाता है। सब को उत्साह भी रहता है उसमें। तो बात तो एक ही है कि इस कार्य को कराना है और इतने लोगों से कराना है, तो करने के दो तरीके हैं। या तो हम प्रीति पूर्वक कराएं और या तो हम उसको डांट फटकार करके, उससे गुस्सा करके, या उसको जो है अहंकार से आपूरित तो होकर के उसको कराएं। तो जो अहंकार से, क्रोध से, गुस्से से, जबरदस्ती, भय दिखा करके जो कार्य को कराते हैं, वास्तव में वो पूरे सफल नहीं होते। एक व्यक्ति वो है जो उसमें प्रीति से और उनको उत्साह दे करके, स्वयं उसमें संलग्न होकर के और भ्रातृत्व के साथ, सह अस्तित्व के साथ, एकत्व के साथ मिलकर के जिस कार्य को कराते हैं, उस कार्य में ज्यादा ही सबका जो है उत्साह होता है और वो कार्य प्रशस्त होता है। नहीं तो कार्य भी बिगड़ जाता है और व्यक्ति का व्यवहार भी बिगड़ जाता है, उसको जो है उसका संस्कार भी बिगड़ जाता है। तो ऐसा कोई भी कार्य हम ना करें, ना किसी से कराएं, जिससे व्यक्ति का संस्कार, जिससे व्यक्ति का व्यवहार, जिससे उसका ये संपूर्ण जीवन दुखदाई हो, कष्टदाई हो। हम ऐसा जीवन जिए जो कष्टदाई ना हो, जो कष्ट को भी नष्ट करने वाला हो, सुखदाई हो, जो सबको उत्साहित करने वाला हो। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र में जो कहा है कि अवोचाम रहुगणा अग्नये मधुमत वचः, हम मधुमत प्रीति पूर्वक वाणी को बोलने वाले हों। यद वदामि मधुमत तद वदामि, जो मैं बोलूं तो उसमें मधुरता हो, उसमें नीरसता ना हो, उसमें कड़वापन ना हो, उसमें तीखापन ना हो, क्योंकि जो मधुरता से युक्त होंगे वो सबके हृदय में जो है अमृत घोलते हैं। मधुर वाणी जो वेद की वाणी है, यह कल्याणी वेद वाणी हम अपने जीवन को इसके प्रति समर्पित कर दें। और जब हम वेदोक्त वाणी का प्रयोग करेंगे तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वाणी ही व्यक्ति को उस सबके निकट लाती है, वाणी ही व्यक्ति को दूर कर देती है। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। अपने भी हो जाते हैं गैर, तलख है जिनकी जुबा, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा। तो सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। ये जीवन में पश्चाताप हम ना करें, हमारा जीवन दिव्य हो जाए, तो इस भाव से हम स्वाध्याय नित्य प्रति करें और उसको जीवन में उतारें। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही।